दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो आप बादाम का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 2 से 3 बादाम के प्रयोग बताएंगे जो कि स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं या फिर स्मरण शक्ति को ये बढ़ाते हैं। दोस्तों बादाम जो होता है वो 1 से 3 ग्राम तक का होता है। ये शरीर में देर से पचता है, साथ ही इसकी प्रकृति यानी कि स्वभाव गर्म होता है। ये दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखता है, सुंदर रखता है, साथ ही ये बलवान बनाता है। इसी के साथ ये आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है, इससे हृदय को लाभ मिलता है। इसके उपयोग से शरीर में गाढ़ा और पुष्ट वीर्य पैदा होता है। सूखी खांसी के लिए बादाम बहुत फायदेमंद होता है और ये शरीर की सूजन को मिटाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं अगर आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बादाम का प्रयोग कर सकते हैं। आप क्या करें दोस्तों, 10 ग्राम बादाम को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह इसका छिलका उतारकर 12 ग्राम मक्खन और मिश्री मिलाकर 1-2 माह तक आप इसे लगातार सेवन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे मस्तिष्क की कमजोरी दूर होती है। यदि ये संभव न हो तो 40 दिनों तक 7 बादाम, 10 ग्राम मिश्री और सौंफ को पीसकर रात को सोते समय गर्म दूध के साथ पीने से दिमाग की कमजोरी दूर होती है। इसी के साथ अगर आप ये भी प्रयोग न कर पाते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इसमें आप क्या करें, 10 ग्राम बादाम को बारीक पीसकर 1/2 किलो दूध में मिलाएं। जब ये दूध 3 बार उबल जाए तो इसे उतारकर ठंडा कर लें। साथ ही आप इसमें चीनी मिलाकर पी सकते हैं, इससे भी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। और इसी के साथ अगर आप बादाम की गिरी और सौंफ को समान मात्रा में बारीक पीस लेते हैं और इसे रात को सोते समय 1 चम्मच की मात्रा में लेते हैं तो इस प्रयोग से भी दिमाग को ताकत मिलती है, दिमाग की ताकत बढ़ती है, इससे सिर दर्द और शारीरिक कमजोरी भी दूर होती है। तो दोस्तों ये था बादाम के लिए स्मरण शक्ति वर्धक प्रयोग। अगर आप शारीरिक ताकत बढ़ाना चाहते हैं, बल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आगे उपयोग लेके आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।